मछलियों की दुनिया में पीटर। एक बार सन 1106 में एक तूफान आया। इस तूफान में काली, अंधी और तेज बारिश भी थी। अपने आप को बचने के लिए सभी अपने घर की तरफ दौड़ रहे थे। इस तूफान की वजह से एक लड़का खो गया। ये जानकर सभी हैरानी में थे कि वे न जाने कहां चला गया। तूफान के थमने के बाद सभी गांव वालों ने उसको ढूंढा, लेकिन वो लड़का कहीं भी नहीं मिला। उधर जब उस लड़के की आंखें खुली तो उसने देखा एक परी उसका हाथ पकड़ उड़ा कर ले जा रही थी। वो परी उसे अपनी दुनिया में ले गई। वो परी हर तरफ से हर देश से बच्चों को पकड़ कर लाती थी और उन्हें गुलाम बना कर रखती थी, उनसे अपना काम निकलवाती थी। उस परी का नाम था इलिमा था। उसने लड़के को पकड़ कर पिंजरे में डाल दिया। उसके कुछ लोग इधर उधर घूम कर पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी भाग न निकले, लेकिन कोई भाग अब भी कहाँ। वो तो सबको दूसरी दुनिया में अपने देश ले आई थी। पीटर भी रोने लगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। पीटर की आवाज सुनकर एक कोने में बैठे एक लड़के ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला है भाई, ये चुड़ैल परी अब हमें जाने नहीं देगी। वहीं पर बैठी एक लड़की ने भी कहा कि अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रोना बंद करो। लड़का बोला, मेरा नाम पैट्रिक, इसका नाम वेंडी और इसका नाम एलन, उस पिंजरे में जो दूसरा लड़का था। पीटर, लेकिन ये परी चाहती क्या है? एलन, डायलेमा इस दुनिया पर राज करना चाहती है। पैट्रिक, हाँ ये सही कह रहा है भाई। पीटर, लेकिन कोई उसे मरता क्यों नहीं, कोई लड़ता क्यों नहीं है इसे? वेंडी, इस चुड़ैल ने इस देश की रानी परी मार डाला और अब ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहती है। तभी पीटर को उनके पंख नजर आए और बोला, अरे ये क्या, तुम्हारे पास तो पंख हैं, तुम तो उड़ सकते हो। वेंडी, हाँ हमारे पास पंख हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब हम पिंजरे में रहकर उड़ नहीं सकते और अपने देश को नहीं बचा सकते। पीटर, लेकिन ये पृथ्वी से बच्चों को पकड़ कर क्यों ला रही है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है इसका? एलन, ये उस लड़के को ढूंढ रही है जो इसका पूरी तरह से खात्मा कर देगा, लेकिन उस लड़के का पता नहीं वो है कौन। पैट्रिक, हाँ और एक बात और है, डायलेमा चाहती है कि उसे और शक्ति प्राप्त करनी है जो इसको और बलवान बना देगी। तभी अचानक एक वो चुड़ैल परी आई और पीटर को पिंजरे से नकल कर कहीं और ले गई। उसे खंबे से बांध कर उसको बोला कि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगी। पीटर ने हड़बड़ाकर काम के बारे में पूछा। उसने बताया कि यहाँ से कुछ मील दूर एक हवा महल है जिसके अंदर एक सुरंग है, उस सुरंग में से एक शक्ति को लेकर आना होगा। पीटर ने मना करते हुए कहा कि मैं उस शक्ति का नहीं लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। डायलेमा ने उसे कोड़ों से मारा और पीटर बेहोश हो गया। वो डायलेमा रोज पीटर को मारती और उससे काम को करने को कहती, लेकिन पीटर ये नहीं चाहता था कि डायलेमा पूरी दुनिया पर राज करे, अगर ऐसा हो जाएगा तो सब इसके गुलाम बन जाएंगे। वो उन तीनों को भी टॉर्चर करती थी और दूसरे सारे काम करवाती थी। इस काम को चलते चलते आज 900 साल गुजर गए। पीटर के दोस्तों ने कई बार जेल तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सब जाते कहाँ, सब पकड़े जाते थे। रोज की तरह आज भी पीटर को पनिश करने डायलेमा आई और उन तीनों को भी देखा। जाते वक्त उसकी छड़ी कब में निकल गई, उस डायलेमा को पता ही नहीं लगा। वेंडी ने उस छड़ी को अपने पैरों तले छुपा लिया। उसके लोगों ने पिंजरे का गेट बंद कर दिया और डायलेमा के साथ चले गए। जब सब चले गए तब वेंडी ने मौका देखते ही छड़ी को उठा लिया और छड़ी घुमाकर जेल या पिंजरा को भी खोल दिया। जैसा कि सब जानते हैं कि डायलेमा की सारी शक्ति उस छड़ी में थी, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस वो अपने पंखों की वजह से उड़ तो सकती थी। वेंडी पीटर के पास एलन और पैट्रिक के साथ पहुंची क्योंकि वो किसी और जेल में बंद था। पीटर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोगों को किसने छुड़ाया? वेंडी, शांत हो जाओ पीटर, अगर किसी ने सुन लिया तो वो फिर हमें जेल में डाल देंगे। एलन, ये सही कह रही है, तुम चुप रहो भाई। पैट्रिक, वेंडी को डायलेमा की जादुई छड़ी मिली है जो डायलेमा के बंधन से निकल कर गिर गई थी, इसी से तो हम बाहर आए हैं। वेंडी, हाँ अब जल्दी बाहर आओ। वेंडी ने पीटर को भी छुड़ा लिया और डायलेमा के बंधन से मुक्त होकर बाहर भाग गए। भागते हुए पीटर ने बाकी लड़कों को भी छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन वेंडी ने कहा कि अभी इतना वक्त नहीं है, पहले अपनी जान बचाओ, उन्हें हम बाद में छुड़ा लेंगे। पीटर बोला, ठीक है जैसा तुम कहो। उधर जब डायलेमा को छड़ी को जरूरत महसूस हुई तो उससे छड़ी नहीं मिली। वो छड़ी को सभी जगह ढूंढने लगी लेकिन उसे नहीं मिली।
वो उड़कर वापस वहीं गई जहां पर वेंडी और वो दोनों लड़के थे, लेकिन उसे उन तीनों के साथ साथ पीटर भी गायब मिला। वो चिल्लाने लगी, पीटर तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तेरे उन तीनों दोस्तों को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। मैं उसे अपने सभी लोगों को जो उसके साथ थे उन चारों को ढूंढने के लिए कह दिया और खुद भी उन्हें ढूंढने लगी। इधर पीटर अचानक ही रोने लगा, पैट्रिक अरे तुम क्यों रो रहे हो, एलन शायद इसे डर लग रहा है। वेंजी तुम दोनों के दोनों चुप रहोगे या नहीं, इसको इसके माता पिता की याद आ रही है। एलन और पैट्रिक सॉरी पीटर, उन तीनों ने पीटर को दिलासा दी। उन्होंने एक सुनसान जगह रहने लगे थे, वो सोच रहे थे कि किस तरह से डायलेमा से छुटकारा मिले और कब हम अपने घर जाएं। वो परी उन सबको खोजते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच गई और पीटर को पकड़ लिया। डायलेमा लाओ मेरी छड़ी, मुझे वापस लौटा दो वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। पीटर हाय 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 हा, तुम क्या सोचती हो कि तुम हमें मार डालोगी, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। डायलेमा पीटर की तरफ दौड़ी और वॉर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी पीटर ने उसके मुंह पर बड़ी जोर से एक घूसा दिया, वो बहुत दूर जाकर गिरी। तभी वेंडी भी अपने दोस्तों के साथ आ गई और वो भी उस पर वॉर करने लगी उस छड़ी का, लेकिन उस परी ने उड़कर झटके से वो छड़ी नीचे गिरा दी। तभी एलेन उसे उठा लिया, एलेन ने भी उस छड़ी से डायलेमा पर वॉर किया लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। पैट्रिक ने भी प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वेंडी ने कहा कि पीटर को छड़ी दो एलेन, हम डायलेमा को पकड़ते हैं, ये छड़ी डायलेमा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। पैट्रिक ने उस छड़ी को पीटर की तरफ फेंक दी। तभी अचानक डायलेमा ने अपने लोगों को भी बुला लिया। छड़ी पीटर के हाथ लगते ही पीटर को एक शक्ति का एहसास हुआ और उसने डायलेमा पर वॉर किया। वॉर करते ही वो नीचे गिर गई। अब पीटर ने पूरी शक्ति के साथ डायलेमा पर वॉर किया, वो तड़पने लगी और रहीम की भीख मांगने लगी। उधर वे तीनों डायलेमा के लोगों मर रहे थे, उन्होंने जमकर लड़ाई की और अंत में उस छड़ी की मदद से पीटर ने डायलेमा को मार गिराया। अब डायलेमा का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था और उसके आदमी का भी। लड़ाई खत्म हुई और उन्होंने उन सभी को भी छुड़ा लिया। डायलेमा की कैदमी थे, उन सभी ने पीटर के साथ साथ उन तीनों का भी शुक्रिया किया और पीटर ने जादुई छड़ी से उन सबको जो जहाँ से आए थे वहीं पर भेज दिया। अंत में पीटर ने उस छड़ी को वेंडी की तरफ करते हुए कहा, वेंडी ये लो तुम्हारी अमानत और मुझे मेरे गृह पर भेज दो मेरे घर। वेंडी नहीं पीटर, ये छड़ी मेरी नहीं है, ये अब तुम्हारी है, इसने तुम्हें चुना है और बागवान ने भी तुम्हें चुना था उस डायलेमा को मारने के लिए। अब इस छड़ी को तुम ही रखो, हमारे पास दो पंख है और कुछ छोटी मोटी शक्तियाँ हैं लेकिन तुम्हारे पास इस छड़ी के सिवा कुछ नहीं है और हाँ तुम इस छड़ी की मदद से ही अपने ग्रह पर जा सकते हो। एलन हाँ पीटर वेंडी सही कह रही है। पीटर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये छड़ी तुम्हारी भी है। पैट्रिक तो एक काम करते हैं, इस छड़ी की शक्ति को तुम दोनों आपस में बांट लो, आधी शक्ति वेंडी पर रहेगी और आधी तुम्हारे पास। पीटर कह तो तुम सही रहे हो लेकिन अब ये दोनों में नहीं हम चारों में बटेगी। एलन ये आइडिया भी कुछ कम नहीं। पीटर ने उस छड़ी की मदद से उसको चार भागों में शक्ति के रूप में बना दिया और चारों में बांट दिया। वेंडी अब तुम अपने घर जा सकते हो। पीटर पीटर और तुम वेंडी मुझे इस देश की देखरेख करनी है, मुझे यहीं रुकना होगा क्योंकि अब मैं ही हूँ जो इस देश की रखवाली कर सकती हूँ। पीटर तुम सही कह रही हो, तुम्हें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा लेकिन कभी आना मेरे देश में भी। वेंडी मैं जरूर आऊंगी। पीटर अच्छा तो मैं चलता हूँ। पीटर ने हाथ हिलाया और अपने दोस्तों एलेन और पैट्रिक को भी अपने साथ ले आया। वो अपने गांव में उड़ाते हुए पहुँच दूसरों की नजरों से बचते हुए। पीटर गांव की दशा देखकर चौंक गया और अरे लगता है हम कहीं और आ गए। पीटर ने एक व्यक्ति से पूछा कि ये कौन सा गांव है, नाम क्या है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे घूरा और बिना जवाब दिए चला गया। पीटर और उसके दोस्तों ने दो तीन लोगों से इस बारे में पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। गांव भी सुनसान पड़ा हुआ था। एलन अरे पीटर तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो जब ये बता नहीं रहे। एक काम करो अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देखो आखिर हो क्या रहा है। पैट्रिक हाँ पीटर ये लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे, ये सब तो खामोश है। पीटर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और पता लगाया आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही उसने देखा वो हक्का बक्का रह गया। उसको पता लगा कि वो गांव तो उसी का ही है और वक्त बहुत ज्यादा बदल चुका है।
यम की जब उस गांव से गायब हुआ था तो 1106 था और अब चल रहा है 2006। और बोला, अरे ये कैसे हो गया और मैं इतने दिन कैसे जी लिया, अब तो 2006 चल रहा है। एलन, क्या ऐसे कैसे हो गया? पैट्रिक, लगता है उस पारी के देश में उम्र बढ़ी ही नहीं हमारी। हाँ ये भी हो सकता है, एलन ने कहा। तभी पीटर को गुस्सा आया और एक आदमी को पकड़ के खड़काया और पूछा, बोलो ये लोग इतने शांत क्यों हैं? कोई बोलता क्यों नहीं? और तुमने इस गांव क्या हल बना रखा है, बिल्कुल शमशान की तरह क्या है, ये सब बोलते क्यों नहीं? तभी उस आदमी ने पीटर का मुंह बंद कर दिया और कहा, यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया था, उसका नाम माइकल था। वे यहाँ पैदा होते ही न जाने कैसे शैतान बन गया और अपने माँ बाप दोनों को मर दिया, उन्हें वो जिंदा ही निकल गया। उसमें पता नहीं इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, पैदा होते ही वो बड़ा हो गया था। उसने गांव के कई लोगों को भी नष्ट कर दिया। पीटर को एक के बाद एक वो समाचार मिल रहे थे जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पीटर ने अपने दोस्तों की ओर देखा, वो दोनों तो डर के मारे ठिठुर रहे थे। पीटर कहा कि अब तुम दोनों को क्या हुआ? एलन, हमें तो डर लग रहा है। पीटर भाई, तुम जल्दी करके यहाँ से निकल लो वरना वो हमें भी खत्म कर देगा। पैट्रिक, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पीटर, क्यों ना हम भाग चलें? पीटर, हाँ, तुम भाग जाओ, मैं अकेला ही देख लूँगा। कायरों एक्सक्लेमेशन मार्क, तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्ति है, फिर भी डर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही लड़ लूँगा उससे, तुम चले जाओ। उसने गांव वालों से पूछा कि बताओ मेरे साथ कौन है, हम सब मिलकर उसको खत्म कर सकते हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं हुआ। उसने फिर से कहा कि यदि यही चलता रहा तो एक दिन वो राक्षस तुम सबको भी खत्म कर देगा। इसे अच्छा तो तुम मेरे साथ उससे लड़कर उसे खत्म करने की कोशिश तो कर सकते हो। तभी पीछे से एक हाथ उठाओ और आवाज आए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब देखकर पीटर का हौसला बढ़ गया। कुछ समय बाद एक और आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दूसरा व्यक्ति था। पीटर ने देखा तो सभी एक एक करके उसके साथ हो गए जो गांव वाले थे। अब पीटर ने एलन पैट्रिक की तरफ देखा तो उनकी आंखें शौम से झुकी हुई थी। उन्होंने भी साथ चलने और लड़ने के लिए कह दिया। अब उनकी जंग एक शैतान से छिड़ने वाली थी। वो सब शैतान को ढूंढने लगे और चारों तरफ देखने लगे। एक दिन किसी आदमी ने उस शैतान को गांव के ऊपर से उड़ते हुए देखा और उसने ये बात सभी को बता दी कि माइकल शैतान आ गया है। वो सब देखते ही उस शैतान को ललकारने लगे और कहने लगे कि माइकल अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम अब मारने वाले हो। उन्होंने उस पर तलवार से वार किया लेकिन वो बच निकला। उन्होंने उससे जमकर लड़ाई की लेकिन इस लड़ाई में गाँव के 40 लोग मारे गए। उन्होंने उसे मारने की कोशिश भी की थी लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वो फिर से उड़कर चला गया। इस बीच पीटर ने भी कोशिश की थी लेकिन पीटर की शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए उस शैतान को मारने के लिए। पीटर ने गांव वालों को सांत्वना दी और कहा, गांव वालों मुझे अफसोस है कि हमारे कई साथी मारे गए लेकिन हमें हार नहीं मानेंगे। क्या किसी को कुछ पता है कि उसको कैसे मार सकते हैं? किसी को कुछ पता नहीं था इसलिए कोई नहीं बोला। सब गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए और आराम करने लगे। एक दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। वो सोच में थे कि क्या करें। तभी वो शैतान एलन को दिखाई दिया। वो एक रथ में उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। एलन, पीटर देखो, वो शैतान ऊपर देखो। उसने देखा और कहा कि अब तैयार हो जाओ, इसका पीछा करते हैं। पैट्रिक, हाँ लेकिन उसे पता नहीं लगना चाहिए। शैतान के उनसे कुछ दूर जाते ही वो उसका पीछा करने लगे। वे तीनों उड़कर शैतान के महल के पास पहुँचे, उसके महल के पास जाकर छुप गए। उस शैतान के निकलते ही वे तीनों उसके महल में घुस गए। पीटर, एलन तुम वहाँ देखो, पैट्रिक तुम वहाँ देखो, जल्दी करो। उन तीनों ने महल को सारा छान मारा लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। पैट्रिक एक शीशे के पास खड़ा हुआ था, वो अपने आप को शीशे के अंदर देख रहा था। पैट्रिक भी वहीं पर आकर खड़ा हो गया और शीशे को देखने लगा। पैट्रिक, पीटर देखो, शीशे के पीछे कुछ लिखा हुआ है। एलन, कहाँ पर हटो, मुझे देखने दो। मम, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। पीटर भी दौड़ कर आया और शीशे के पीछे देखा और पढ़ा, डैश पीटर नाम का लड़का और वेंडी नाम की परी अगर एक हो जाए तो इस शैतान का अंत निश्चित है। एलन, लगता है वो समय आ गया है जिसमें हमें दोबारा वेंडी के यहाँ जाना होगा। पीटर, अब तो जाना ही होगा। वो तीनों उस महल से अपने घर लौट आए और गांव वालों को बताकर वेंडी को लेने के लिए उड़ गए।
तीनों शीघ्र ही वेंडी के पास पहुंचे और उसे सारी घटना के बारे में बताया। वेंडी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस शैतान को मारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। एलन, मैं भी तैयार हूँ। पैट्रिक, मैं भी। पीटर, तो देर किस बात की, चलो। पैट्रिक, तो गांव वालों को बुला लूं मैं। पीटर, नहीं, मैं अब उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी वजह से उनके कई सारे लोग मरेंगे। एलन, हाँ, अब हम खुद ही लड़ेंगे उसके साथ, चाहे जो हो जाए। वेंडी, मैं भी नहीं चाहती कि किसी को हमारी वजह से चोट पहुंचे। पैट्रिक, हाँ, अब हम चारों ही उसको खत्म करेंगे। पीटर, चलो। वे चारों शैतान के महल में गए और उससे लड़े। पीटर और वेंडी की उस शैतान से लड़ाई हुई और कभी पासा पीटर के हाथ में, कभी शैतान के हाथ में। अंत में पीटर और वेंडी को एक होकर उस शैतान को मारना पड़ा। उनकी शक्ति एक होकर डबल हो गई थी। वो शैतान अब मर चुका था। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने दूसरे घर जा जाकर लड्डू और मिठाइयां बांटी। पीटर और उसके सभी दोस्तों को गांव वालों ने अपने कंधे पर उठाया और चिल्लाए, पीटर और वेंडी की जय, एलन और पैट्रिक की जय। पीटर, रुको रुको, हमारी जय मत बोलो, बोलनी है तो भगवान को बोलो और उन्हें प्रणाम करो, बोलो शंकर भगवान की जय। गांव वालों में खुशहाली आ गई। सब अपने घरों से बाहर आने लगे और अपना काम करने लगे। अब वो लग बहुत खुश लग रहे थे। अब वेंडी मायूस होकर बोली कि अच्छा तो पीटर, मैं अपने देश चलती हूँ। पीटर उसकी मायूसी देखकर समझ गया था कि उसका वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। वो उसके पीटर के साथ रहना चाहती है। पीटर, कोई बात नहीं वेंडी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वेंडी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा। एलन, वो 300 साल पहले ही गुजर गए थे। वेंडी, क्या? पीटर, हाँ वेंडी, एलन सही कह रहा है। जब वो डायलेमा मुझे यहाँ से उठा कर ले गई थी तो उस टाइम 1106 वर्ष था और अब 2006 चल रहा है। वेंडी, इसका मतलब हमारे देश का तुम पर भी असर हुआ है। तुम्हें वो शक्ति आ गई है जिसने तुम्हारी आयु बढ़ा दी है। एलन, तो चलें, अब क्या बातें ही करते रहोगे। पैट्रिक, चलो। वेंडी, चलो पीटर, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। हमारी शक्ति को भी एक होना पड़ता है। पीटर, अरे हाँ, शक्ति से मुझे याद आया, वो जो शक्ति जिसे डायलेमा हासिल करना चाहती थी, उसका क्या हुआ? वेंडी, वो अभी तक वहीं है। वो हमारे देश की शान है। सब परियों को उससे ऊर्जा मिलती है, इसीलिए मैंने उसे छुआ नहीं। अगर वो शक्ति डायलेमा के हाथ लग जाती तो वो सारी दुनिया पर राज कर लेती और दुनिया का अंत निश्चित था। पीटर, सो तो है, तो चले। वेंडी, चलो। वे चरो वेंडी के देश चले गए और वहीं पर एक सुंदर सा महल बनाकर रहने लगे। द एंड।